है, राइट। तो दिस वॉज योर टॉप लेवल कम्युनिटी वेयर बाय वी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, आप इसको जनरल मैनेजर भी कह सकते हैं। देन वी हैव एचआरएम, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, पीएम, या तो प्रोडक्शन मैनेजर ले लीजिए या परचेज मैनेजर, एफएम मींस फाइनेंस मैनेजर, दिस इज सेल्स मैनेजर। दे आर बीइंग allocated with the different functions. They are supposed to do the different functions, whatever being assigned to them. And who assigned these functions to them? That is my MD. So MD is basically the coordinating agency. ठीक है, he is there to guide them. It means कि ये person all rounder है, लेकिन इनको all rounder knowledge नहीं मिलती, because they are just doing the same function repeatedly. Means my PM, the purchase manager, is totally indifferent what HRM is doing. My HRM is totally indifferent what my finance manager is doing. Matlab, they are not related with other functional heads. They are not related what they are actually performing, how they are performing their functions. But hereby, this guy, footwear in charge, footwear division in charge, is related with every activity of his department, because he has to guide human resource manager, he has to guide purchase manager, he has to guide, or he has to take the work from finance manager, he has to guide to the sales manager also. It means ki he is all rounder here. Aur yahi maine difference karwaya tha ki divisional mein jo divisional heads hai wo aage wali post pe ya upper post pe kya ho sakte hain, shift ho sakte hain, wahan pe promotion possible hai. Lekin yahan pe kyunki unke kaam karne ka daaira bada limited hota hai, to wahan pe higher post pe jana unke liye mushkil rehta hai, because their work, allocated work, is very narrow in scope. Lekin yahan pe mera har divisional head is thinking wider, is holding his full fledged department. अपने पूरे division को वो खुद manage कर रहा है. Means इन चार बंदों को guidance कौन दे रहा है? हमारा divisional head. जब तक उसे खुद इन चारों चीजों के बारे में या चारों activities के बारे में नहीं पता होगा, तब तक वो इनको guidance कहाँ से देगा? So he is a person of, or he is the master of every field. In that way, he is guiding the juniors to him. ठीक है, सिमिलरली इट विल हैपन विद द कॉस्मेटिक. कॉस्मेटिक में भी आगे चार फंक्शन होंगे, मेडिसिन डिवीजन में चार फंक्शन होंगे, और आपके ज्वेलरी डिवीजन में भी चार फंक्शन होंगे, और सबके नीचे वर्कर्स हो. यू कैन एलैबोरेट दिस डायग्राम. सो दीस टू डायग्राम्स वंस अगेन आई प्रिपेयर सो दैट द डिफरेंस कैन बी मेड क्लियर इन योर माइंड, राइट. अब किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क. व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, दिस इज द राइट ऑप्शन. व्हेन मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, देन दिस इज द राइट ऑप्शन. डन, चलें आगे. डिविजनल का क्या क्या कर लिया हुआ है? डिविजनल का इंपॉर्टेंस करा है कि सिर्फ कल मीनिंग ही किया शायद. एडवांटेजेस वी विल डू. एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, यू टेल. व्हेन द साइज इज लार्ज एंड व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग द मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड डिविजनल गिव्स अस द मैक्सिमम बेनिफिट. ठीक है, और हर डिविजन के ऊपर हमारा क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा. हर डिविजन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग है. हर डिवीजन अगर लॉस में जाएगी तो हम उसे बंद करने की वार्निंग दे देंगे, और डिविजनल हेड को बोलेंगे यू हैव टू कवर दिस लॉस, आप अपने आप को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करो, अदरवाइज आपका डिवीजन बंद हो जाए. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स विल ऑलवेज हैपन एंड दे विल स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू देयर ओन डिवीजन. ठीक, लेट्स सी द एडवांटेजेस. पहला पढ़ो, रीड द एक्सप्लेनेशन एंड ट्राई टू फाइंड द हेडिंग. फर्स्ट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन ही होगा भाई. फंक्शनल का पहला एडवांटेज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन था, और यहाँ पे हमारा पहला एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इज गेटिंग द इक्वल इंपॉर्टेंस, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वी हैव मेड डिफरेंट डिविजन्स, और उस डिविजन को मैनेज करने के लिए हमने अलग से डिविजनल हेड बना रखा है, और वो डिविजनल हेड अपने डिविजन को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है. मीन्स यहाँ पे ब्लेम गेम की पॉसिबिलिटी बहुत कम. जो डिपार्टमेंट घाटे में जाएगा, ज्वेलरी डिपार्टमेंट अगर घाटे में जा रहा है, तो ज्वेलरी डिपार्टमेंट कभी भी फुटवेयर डिपार्टमेंट को इसका ब्लेम नहीं दे सकता, बिकॉज इट वॉज देयर ओन एफर्ट और इट वॉज देयर ओन लूपहोल्स विच रिजल्टेड इन अल्टीमेट लॉस टू देम. हाउ कैन यू ब्लेम टू अनदर डिपार्टमेंट? अनदर डिपार्टमेंट और डिविजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू भाई. लेकिन फंक्शन में ऐसा होता था, कल को सेल नहीं हुई तो वो क्या परचेस मैनेजर के ऊपर ब्लेम लगाता है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बोलता है इसने घटिया सामान बनाया था, टाइम पे नहीं बना, तब तक मेरे कॉम्पिटिटर का सामान बिक गया, हम एड नहीं बना पाए, तो दे स्टार्ट दैट ब्लेम गेम. लेकिन इस तरह की ब्लेम गेम कभी भी डिविजनल में पॉसिबल नहीं होगी. हूसोएवर इज नॉट रनिंग वेल, दैट डिपार्टमेंट इज अल्टीमेटली टू शट डाउन. एक डिपार्टमेंट, एक डिविजन दूसरे डिविजन को कभी भी ब्लेम नहीं दे सकता. एक्सप्लेनेशन पढ़ो.
प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है तो फुटवेयर डिपार्टमेंट का या डिवीजन का जो हेड है उसको इस सारी स्किल्स के बारे में पता ना, वेरिड स्किल्स। उसको अपने डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को कैसे गाइड करना पता है, उसको परचेस मैनेजर को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है उसे पता है, फाइनेंस मैनेजर को कैसे हैंडल करना है उसको पता है। इट मींस कि ही इज बिकमिंग कैपेबल ऑफ वेरिड स्किल्स। हिज स्कोप ऑफ वर्किंग इज और स्कोप ऑफ एक्टिविटीज इज नॉट नैरो, हिज स्कोप इज वाइडर बिकॉज ही इज देयर टू गाइड द फोर स्पेशलिस्ट। वो खुद इन चारों चीजों में स्पेशलिस्ट होगा तभी आगे वाले चार बंदों को गाइड कर सकेगा। सो इन दैट केस प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन केस में यू जस्ट गेट द वेरिड स्किल्स एंड यू गेट द एक्सपर्टाइज इन द वेरिड स्किल्स। और ये स्किल्स किसमें आती है, डिविजनल हेड में। देखो पहली लाइन, सो दिस लाइन ही कैन पिक एंड ही कैन आस्क दिस इज एन एडवांटेज ऑफ विच स्ट्रक्चर। वो इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन वर्ड नहीं लिखेगा, वो लिखेगा इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड। It is an advantage of one of the structure of organization. Your answer will be it is an advantage of divisional structure. Am I right? क्योंकि अगर वो product specialization लिख देता फिर तो clear cut ही है। ये तो tagline सारे बच्चों ने learn की होती है। So he will skip that word, right? And he will be asking you divisional head की क्या होती है? Development होती है। उसका career develop होता है because he is learning so many skills. This is because he gains experience in all the functions related to a particular product. उसको चारों functions के बारे में knowledge हो जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसको अपने डिपार्टमेंट के हर फंक्शन, यहाँ पे पांच डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं भाई, पांच फंक्शन भी हो सकते हैं, छह फंक्शन भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग, राइट? क्लियर है? सो हु इज गेटिंग द एक्सपर्टाइज नॉलेज हियर, हु इज गेटिंग द एक्सपर्टाइज नॉलेज हियर, व्हाई ही इज गेटिंग दिस एक्सपर्टाइज नॉलेज? बिकॉज ही इज गोइंग टू हैंडल ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू हिज डिवीजन। अपने डिवीजन को ओवरऑल उसने खुद मैनेज करना है, बाहर से एजेंसी थोड़ी ना हायर करनी है। Because he has been made the head of that division, so why he will be hiring the services from outside? He should be the all-rounder type person. He should be expert. He should be master of all the activities, and he is basically. होता है वो. Second पढ़ो. Fixation of ease in fixation of accountability. Heading देखना, मैंने ये लिखा. Ease in fixation of accountability. Who will explain this line? Firstly. दोबारा बोलो। ओके, अकाउंटेबल होता है आंसरेबल, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है। कल को किसी एक का डिवीजन घाटे में जा रहा है तो उसी से पूछा जाएगा, दूसरे का बीच में कोई रोल नहीं। इफ दे आर प्रोड्यूसिंग लेस प्रॉफिट देन द एक्सपेक्टेशन देन दे विल बी आस्क्ड, उनसे ही पूछा जाएगा। उस डिविजनल हेड के साथ मीटिंग हमारे एमडी की होगी और किसी डिविजन के हेड को नहीं बुलाया जाएगा। फिर वही बात, मेरे वाली ब्लेम गेम नहीं हुई। वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट या डिविजन को कह ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट तो प्रॉफिट में जा रहे हैं लेकिन यही डिपार्टमेंट घाटे में क्यों जा रहा है? सो दैट डिपार्टमेंट इज ओनली बींग चार्ज शीटेड, उसके अगेंस्ट ही चार्जशीट लगाई जाएगी और उसे कारण बताओ नोटिस निकाला जाएगा। यू हैव टू सी अस इन दिस मीटिंग एंड यू शुड बी रेडी विद द consequences, you should be ready with the reasons why you are not able to achieve or your division was not able to achieve the expected goal. So usi se pucha jayega, usi ke se jaanch padtal hogi, usi ko karan batao notice issue kiya jayega. Dekho zara, yahi likha hai, divisional heads are accountable for their own divisions. Clear hai? Agar kabhi unka division ghaate mein jata hai to uske liye responsible aur answerable kaun honge? Who will be answerable? Divisional heads to whom? To MD or to even board of directors, even to CEO. Yes, ये भी मैंने कल बात करी थी। All the divisions are revenue producing departments. Revenue producing, हर division समाज सेवा के लिए थोड़ी ना बनाया गया है। काहे के लिए बनाया गया? Profit earning. और profit earning कब होती है? When they are producing income. Income में से expenses minus कर दिए जाते हैं तो हमारे पास profit आता है। हर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि अपने रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखो, अपने कॉस्ट का रिकॉर्ड रखो और साल के एंड में प्रॉफिटेबिलिटी लेवल और परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करो और इसी बेसिस को और इसी प्रॉफिट को पैरामीटर बना के हम ये जज करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरा रैंक नंबर वन पे चल रहा है, कौन सा टू पे चल रहा है, कौन सा थ्री पे चल रहा है और कौन सा घाटे में चल रहा है। आने वाले एक साल मैंने और देखना, फिर बंद कर दो। सो दैट इज अ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अगर कोई डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा है या हमारे एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, देन दैट डिपार्टमेंट इज टू बी वॉर्न्ड, दैट डिपार्टमेंटल हेड और डिविजनल हेड इज टू बी आस्क्ड फॉर इट। उस डिविजनल हेड से पूछा जाएगा कि क्यों तेरा डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स
इन द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाई जाएगी कि आपको मीटिंग में बोला गया था ये आपका गोल है, आपने नहीं अचीव किया, नाउ यू आर आंसरेबल फॉर इट. एंड देन रेमेडियल एक्शंस, रेमेडियल एक्शन मींस करेक्टिव एक्शंस आर टू बी टेकन, ताकि वो गलतियां दोबारा फ्यूचर में ना हो, और उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कवर करना है उसके लिए सजेशंस पूछी जाएंगी, सो दैट ऐसी नौबत ना आए कि हम उस रिवीजन को बंद ही करें. सो दिस ऑल इज व्हाट फिक्सेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आप किसी और डिवीजन को बुलाओगे ही नहीं, आप उसी डिविजनल हेड के साथ बातचीत करोगे, उसी के साथ आपकी कन्वर्सेशन होगी, विच डिपार्टमेंट इज रनिंग इनटू लॉसेस. सो हेडिंग इज बीइंग जस्टिफाइड, इज इन फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हूसोएवर इज रनिंग इनटू लॉसेस, ओनली दैट डिवीजन इज बीइंग आस्क्ड, दैट डिविजनल हेड इज टू बी आस्क्ड, दैट हैज टू आंसर द क्वेरीज ऑफ हिज सुपीरियर, जो भी क्वेरीज होंगी सुपीरियर उससे पूछेगा, जांच पड़ताल करेगा, उसका आंसर उसे देना पड़ेगा. ओके, वंस द डिविजनल हेड इज बीइंग अपॉइंटेड फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, इज ही फ्री टू टेक हिज डिसीजंस, इज ही फ्री टू टेक हिज डिसीजन, और एवरी टाइम ही इज रिक्वायर्ड टू आस्क अ सीनियर, इज फ्री. हमने उसे सिर्फ टारगेट दिया, दिस इज योर टारगेट, तेरी मर्जी है, तो जैसे मर्जी काम करवा, हमने तेरे को टीम भी दे दी, टारगेट भी दे दिया. सो अगला एडवांटेज यही है, फ्लेक्सीबिलिटी इन अप्रोच. Flexibility means you can use your own autonomy. You need not to ask your superiors again and again. बार बार जब हम लोग अपने superior से पूछते हैं या बार बार मेरे superiors मेरे काम में interference करते हैं, तो human psychology है, we get irritated very easily. ठीक है, हमें irritation होती है, हमें लगता है कि हम सिर्फ नाम के ही head हैं. कहने को तो मैं अपनी division की head हूँ, but again and again एक single penny खर्च करने के लिए भी I need to ask my senior, why? I am my head. The divisional head of my own department, I know what is good and what is bad for my own division. So to some extent, I should be treated as an autonomous body. मतलब मेरे को इतनी freedom तो होनी चाहिए ना. So that type of freedom is always being given in case of what divisional organizational structure and human psychology को समझते हुए, जिस किसी बंदे को भी अपने काम को करने की freedom दे दी जाती है, वो अपना काम हमेशा best way में ही करेगा. ठीक है, बजाय इसके कि हर बार आपसे पूछे, सीनियर से एडवाइस ले, उससे पूछे कि ये मैं कर लूं या ना करूं, एवरी टाइम इंटरफेरेंस ही डजंट वांट. सो सच टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सच टाइप ऑफ ऑटोनॉमी इज ऑलवेज देयर, व्हिच इज एन एडवांटेज. देखो जरा यही लिखा, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी ही हेडिंग होगा. एंड यू नो व्हेन फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, तो द पीपल स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव. और जब सारा कुछ टाइट है और आप अपने सबॉर्डिनेट्स को स्नब करके रखते हो, दे विल डैम बॉदर अबाउट इट. उनको लगता है कि जब हमारी बात किसी ने माननी ही नहीं है, मेरे बॉस की बात, कही हुई बात पत्थर पे लकीर है, तो व्हाई टू बॉदर, मेरे को तो मेरी सैलरी मिल ही जानी है, मैं ऐसे सिर खपाई करूं. बट वंस यू आर मेकिंग वन पर्सन द हेड ऑफ अ पर्टिकुलर डिवीजन, ही विल बी टेकिंग इनिशिएटिव, ही विल बी प्रोवाइडिंग हिज बेस्ट सर्विसेज, वो अपना काम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से करेगा. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ एडवांटेज. जब कोई बंदा इनिशिएटिव लेता है, अपना काम बेस्ट वे से करता है, बेस्ट पॉसिबल वे में करता है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को उसका फायदा ही है. जितने ज्यादा मेरी कंसर्न के एम्प्लॉयज डेडिकेटेड होंगे, जितने ज्यादा वो रेगुलर होंगे, जितने ज्यादा वो एक्सपर्ट होंगे, जितने ज्यादा वो स्किलफुल और ट्रेंड होंगे, उतना ही तो मेरी कंसर्न को फायदा होगा. बजाय इसके कि वो क्या है, आलसी हैं, काम चोर हैं, टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करते, दे आर नॉट इफेक्टिव, दे आर इनएफिशिएंट, तो मेरी कंसर्न तो घाटे में जाएगी ना. अल्टीमेटली कंसर्न को ऊपर उठाने वाले कौन होते हैं, एम्प्लॉयज ही होते हैं. So it is their hard work which leads to the success of the overall organization. And once you are providing the full autonomy or freedom to them, definitely it is going to be helpful for the overall organization. Yes, next is also understood. It leads to expansion and growth. How come? Leads to, divisional ka ye bhi fayda hai. It leads to expansion and growth. How come? Relate karo point ko. Kehta divisional structure agar kisi concern mein hai, तो आपकी एक्सपेंशन और ग्रोथ बड़ी इजीली हो सकती है. कहीं पे आप चार प्रोडक्ट बना रहे थे, पांचवा भी तो बड़ी इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बिकॉज यू आर एबल टू हैंडल एवरी न्यू प्रोडक्ट. सिर्फ करना क्या है, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, बिजनेस पहले से बहुत ही लार्ज स्केल पे जा रहा है. बड़ी बड़ी कंपनीज हर आए दिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू हैव द न्यू डिविजनल हेड. उसको सैलरी का पैकेज देना, नए प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना, फिर डिफरेंट फंक्शनल हेड्स अपॉइंट करना, उनको अच्छी सैलरी पैकेज देना, दे कैन अफोर्ड. तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हमेशा एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस रहते हैं, और वो हमारा एडवांटेज भी बनता है. ठीक है, फंक्शनल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे आप पिछले 10 सालों से एक ही प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे हो,
कोई सेकंड प्रोडक्ट भी लॉन्च करोगे तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस, लेकिन यहाँ पे आउटराइटली डिसीजन ले लिया जाएगा क्योंकि कंसर्न इज कैपेबल टू हैंडल द न्यू प्रोडक्ट्स, द न्यू वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? सो इट बिकम्स इजी टू एक्सपैंड एंड ग्रो विद द हेल्प ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. देखो क्या लिखा, इट फैसिलिटेट्स, दिस लाइन ऑल्सो ही कैन पिक एंड ही कैन आस्क यू, दिस इज एन एडवांटेज ऑफ विच स्ट्रक्चर. इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू डिविजन्स, कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन. इन चारों को हिलाए बिना पांचवा डिवीजन इजिली आई कैन इंट्रोड्यूस, क्योंकि पांचवें डिवीजन का इन चार पहले वाले चारों से कोई लेना देना नहीं है. द फिफ्थ इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट, और फिफ्थ के लिए मैंने इसमें से किसी डिविजनल हेड का बर्डन नहीं बढ़ाना, मैंने अलग से एक नया डिविजनल हेड अपॉइंट करना, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी हैम्पर्ड, दे विल बी वर्किंग एज यूजुअल. सो डिविजन में नया कुछ इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए बहुत आसान होता है बाय मेयरली एडिंग another divisional head and staff. उसको अलग से staff दे दिया जाएगा, head appoint कर लिया जाएगा और उसे एक नई product line दे दी जाएगी. For example, यही वाली मेरी company infrastructure का business introduce करना चाहती है, means building of flats. तो definitely एक engineer को अपना head बनाएगी वो, ठीक है? फिर उसकी team में सारे architecture type के background के बंदे होंगे, so that we can construct the flats. हमारे पास एक plot पड़ा है, बहुत बड़ी डायमेंशन का है, हम चाहते हैं कि वहां पे फ्लैट बना के हम लोगों को सेल करें. सो माय प्रेजेंट कंपनी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. बिल्कुल हटके, कहीं पे आप कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहे हो या सारे, दीज ऑल आर द कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड नाउ यू आर डिसाइडिंग टू एंटर इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटली डिफरेंट, बट यू डिसाइडेड टू डू सो, यू हैव द लाइक कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू डू दैट. So in that way, you can introduce any type of another business, which is an advantage of your divisional organizational structure. Do you find any type of disadvantage of it? Do you find any disadvantage of it? Speak up then. Any disadvantage of divisional structure? Ya to no keh do, to kaam khatam ho jayega. Hai. As every coin has two sides, head and tail, same is with what divisional structure. If it has certain advantages, so it is suffering with certain disadvantages. You tell, but before reading the disadvantages, I want to read the suitability paragraph. Suitability hai? Suitability wala paragraph padho. When it is suitable? When it is suitable? When business is on a very, very large scale and it is producing multiple products, right? And which type of specialization do you require in that case? Product specialization. Chalo, let's read it. Jo maine teen line boli, kya wahi likhi hai usne? Suitability of divisional organization structure. Done? Padho ji. Divisional structure is suitable for those business enterprises where a large variety of products. Underline karo, large variety of products. Main bolti hu multiple products. Wo likhta hai large variety of products are manufactured using different productive resources. मतलब एक प्रोडक्ट लाइन का दूसरी प्रोडक्ट लाइन से कोई लेना देना नहीं है. अगर एक तरफ आप लेदर प्रोडक्ट बना रहे हो तो दूसरी तरफ आप कॉस्मेटिक बना रहे हो, कोई आपस में लेना देना नहीं है. और तीसरी आपकी प्रोडक्ट लाइन ज्वेलरी है, उसका पहले वाले दो प्रोडक्ट लाइन के साथ कोई लेना देना नहीं है. फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट हैज बीन जस्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ आवर अर्लियर एग्जांपल टू. ठीक है, सारी प्रोडक्ट लाइन्स एक दूसरे से बिल्कुल हटके थी. So when an organization grows and needs to add more employees, create more departments and introduce new levels of management, कहता ऐसे structure में क्या होता है, जब कभी भी चाहो आप growth कर सकते हो. और growth करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, एक नया department introduce करना है, उसका head appoint करना है और उसको staff members दे देने हैं. You can easily introduce that new department in your existing product line. It will decide to adopt a divisional structure. जब ऐसी organization जो growth चाहती है, जो expansion चाहती है, उसके लिए divisional is an appropriate option. Table number one, अगले page पे देखना जरा. C and MD, chief and managing director होगा top पे. C and MD का मतलब क्या है? Chief and managing director. अब उसके नीचे company से सेक्रेटरी है, ये अलग से पोस्ट होती है सीएस की. कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बंदा है, ये सारे एमडीज होंगे. चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी होगा जो बाकियों के ऊपर चेक रखेगा कहीं वो करप्टिव एक्टिविटीज में तो नहीं एंगेज रहते. देन वी हैव सो मेनी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ऑफशोर हमारे देश के बाहर के, डायरेक्टर ऑनशोर,
डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन, एक कंपनी की एग्जांपल दे रखी है भाई, डायरेक्टर टेक्निकल फील्ड के, डायरेक्टर फाइनेंस का, और कहता अगले आप सो ऑन खुद फील करते रहे. सो दैट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैथ्स में करते थे ना टिल इंफिनिटी और टिल एन नंबर्स ऑफ टर्म्स, सो सेम इज गोइंग टू बी हियर. सो वी आर नॉट गोइंग टू लिमिट टू द 5 departmental heads or 5 divisional heads. It can be even 10, it can be 20. It depends upon the size of the organization and the type of the organization as well. Right? That's why he has given you this table. Aage different heads hai, wo sare maine aapko bataye hue hai. Chaliye ji, come at disadvantages. Disadvantages, pehla padho. Read the first point. Conflicts kisme honge? जो डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा है वो प्रॉफिट कमाने वाले डिपार्टमेंट से हमेशा एनिमिटी रखेगा, दुश्मनी रखेगा. उसको लगेगा कि ये डिपार्टमेंट तो लगातार प्रॉफिट में जा रहा है, ये मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का गुड बुक्स में आ गया और मेरा हमेशा क्रिटिसिज्म ही होता. तो सच टाइप ऑफ दुश्मनी और सच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और सच टाइप ऑफ क्लैशेस में ऑलवेज प्रॉम्प्ट व्हेन डिविजनल स्ट्रक्चर इज देयर. दो इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज यू आर ऑल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. You all are being made in charge of your own department. If one department can run into profit, why not you? ये तो एक तरह का source of motivation और inspiration होना चाहिए, लेकिन ये इसका disadvantage बन जाता है, because it is a human psychology, you know. दूसरों की success digest नहीं होती ना कई बंदों से, so it is going to happen like this way. Conflicts may arise among the different divisions. Yes, conflicts पता किसका होगा? वो बोलेगा मेरे को ज़्यादा पैसा ही नहीं allocate किया था. कैसे? जूली डिपार्टमेंट का जो हेड है वो मेरे एमडी का अपना खुद का बेटा है या उसका सन इन लॉ है, तो उसको डबल मनी मेरे से एलोकेट कर दी और मेरे डिपार्टमेंट को इतना पैसा ही नहीं एलोकेट किया. मैं ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, जिसके कारण लोगों में मेरे सामान को खरीदने की क्यूरियोसिटी ही नहीं क्रिएट हो पाई, मेरी ज्यादा सेल नहीं हुई, इसलिए मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ. तो सच टाइप ऑफ क्लैशेस कैन बी देयर. जहां पे फंड्स की एलोकेशन की बात होती है, यू नीड टू बी जस्टिफाइड. देयर शुड बी अनबायस्ड डिवीजन ऑफ द फंड्स to each and every division you made, kyunki sare divisions to aapki apni company ki hain. How you can be biased with one or you can be unbiased with other? theek hai, aapko sabke sath equal treatment rakhni hai, lekin aam taur pe aisa nahi hota, to iske karan aapas mein clashes aur conflicts ho jate hain. And further, a particular division may seek to maximize its profit at the cost. Yes, this is again होगा क्या, अपने डिपार्टमेंट को आगे निकालने के लिए आप दूसरे डिपार्टमेंट को पछाड़ने की कोशिश करो. मींस उसके नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाओगे एमडी को और अपने आप को गुड बुक्स में रखने की कोशिश करोगे. दिस इज अगेन अ साइकोलॉजी. सो सच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज, विच इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. वंस आई टोल्ड यू दैट इन ईच डिपार्टमेंट आई हैव डिफरेंट 4 फंक्शनल हेड्स. अगर आप चार तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके पास चार ही परचेज मैनेजर हैं, चार ही फाइनेंस मैनेजर हैं, चार ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं और चार ही सेल्स मैनेजर हैं. 16 तो आपके पास फंक्शनल हेड है, तो इट इज अ कॉस्टली अफेयर भाई. अ स्मॉल स्केल कंसर्न, ठीक है, जिसके पास फंड्स की हमेशा शॉर्टेज रहती है, वो इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाती. तो डिविजनल स्ट्रक्चर इज नॉट अ राइट ऑप्शन फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी. इट इज नॉट अ राइट ऑप्शन फॉर अ बिगिनर. बिगिनर मीन्स जो कंपनी इसी साल शुरू हुई है, हाउ कैन इट अफोर्ड टू हैव द 16 functional heads, 4 into 4 into 4, right? Plus, I should call it 4 plus 4 plus 4 plus 4. 16 functional head ko salary dena is a big job, you know. So beginners ke liye ye badhiya nahi hai, small scale companies ke liye ye wala system badhiya nahi hai. So it is a disadvantage. Aur sabhi ne ek jaise function perform karne hai, aur humne alag alag kyun rakhe? Kyunki category of product alag alag, sabke liye different tarah ka raw material chahiye. सबके लिए अलग अलग तरह की मशीनरी चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी जस्ट अपॉइंटेड द सेपरेट पर्सन. एंड इफ यू कांट अफोर्ड इट, यू शुड जस्ट स्किप इट, राइट? थर्ड, इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज. मैं बोलती हूँ एक डिवीजन का हेड ऑलराउंडर बन जाता है. और ह्यूमन साइकोलॉजी फिर से ये है, जब आपको मैक्सिमम पावर दी जाती है तो आप उसे मिसयूज करना शुरू कर देते हैं. आप अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को अपने पीछे लगा लोगे. कल को अगर आप जॉब छोड़ के जाओगे तो अपने सारे फंक्शनल हेड्स को भी साथ में लेके जाओगे. ये साइकोलॉजी हो सकती है. सो इट इज गोइंग टू अ बिग सफरिंग और बिग शॉक फॉर द कंपनी. तो कभी भी जरूरत से ज्यादा पावर डिविजनल हेड को ना दो. एडवांटेज में हमने कहा कि देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, देयर शुड बी ऑटोनॉमी, देयर शुड बी फ्रीडम, बट डोंट डिस्ट्रीब्यूट द होल पावर. कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने पास रखो ताकि उन इंपॉर्टेंट बातों के लिए वो आपसे कंसल्ट करे, सारे डिसीजन खुद ना ले.
ठीक है, जब आप सारे डिसीजन उन्हें खुद लेने को बोल देते हो, किसको? डिविजनल हेड को. इट मे हैम्पर द वर्किंग और द फ्यूचर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही कैन मिस यूटिलाइज दैट पावर फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है, कल को अगर आपके साथ उसकी अनबन हो जाती है तो अपने साथ 8-10 बंदे और लेके जाएगा, तो मेरी कंपनी को आउटराइटली उन 10 बंदों को दोबारा अपॉइंट करना पड़ेगा, एड देनी पड़ेगी. यू नो, टू अपॉइंट द न्यू पर्सन अगेन इज अ कॉस्टली अफेयर. पहले तो उतने दिन मेरा काम रुका रहेगा, 10 बंदे नहीं आ रहे, फिर 10 बंदे नए अपॉइंट करने के लिए मेरे को एड देनी है, एड पे खर्चा है, फिर उस पैनल में मैंने एक्सपर्ट बिठाने हैं, उन एक्सपर्ट्स को भी ऑनरेरियम देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फी वो भी मेरे से लेंगे. फिर जरूरी नहीं है कि नए बंदे आते ही मेरे वर्क कल्चर में अडेप्ट हो जाएं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. तो इट टेक्स मंथ्स फॉर द अडेप्टेशन ऑफ द न्यू वर्कफोर्स. सो बेटर है कि आप पुरानों को रिटेन करके रखो, लेकिन जरूरत से ज्यादा उन्हें पार भी ना दो. बट वंस दे गेट द पार, दे ट्राई टू मिस यूटिलाइज इट, विच बिकम्स अ डिसएडवांटेज. ओनली 3 डिसएडवांटेजेस आर देयर, राइट? सो दैट इज एनफ फॉर टुडे. बाकी कल.